गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे आप लोग आइए तो आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज है ना पशुपतिनाथ का, पशुपतिनाथ व्रत का हमारा लास्ट व्रत है। पांचवा सोमवार है तो हमने पूजा वगैरह कर लिया था, मोबाइल ऑफ हो गया था इसलिए हम पूजा की थाली का वीडियो नहीं दिखा पाए, उसके लिए आप लोगों को सॉरी। दोस्तों तो देखिए आज हमारा पशुपतिनाथ का लास्ट सोमवार है इसलिए हम ये फलाहार में आलू उबाल लिए हैं और इसको छील रहे हैं। कुछ आलू हमने छीन लिया है और ये फली दाने हैं और ये मिर्ची है, हरी थोड़ी सूख गई है और थोड़ी सूख, तो हम यही बना रहे हैं आज। दो तीन दिन और की हो गई तो देखिए हम आलू को छील को छील लेते हैं और इसके बाद इसका फलाहार बना रही है ना। और ये हमारा लास्ट सोमवार था, आगे की वीडियो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि मोबाइल हमारा सॉरी ऑफ हो गया था इसलिए। आलू को हम छील के, और जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल भी नहीं है, पांचवा सोमवार ना ही कैमरा है, और हम जैसे तैसे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। चार हमारा हो चुका है, पाँच में अध्यापन वगैरह करते हैं तो हम पूजा की थाली वगैरह नहीं खा पाए क्योंकि हम वीडियो एडिट करने की प्रॉब्लम भी है स्टार्ट किए तो हमारी मोबाइल ऑफ हो गई थी क्योंकि हमारी मोबाइल और कैमरा उतना अच्छा नहीं है, मोबाइल भी हमारा ख़राब हो चुका है तो सॉरी हम नहीं दिखा पाए। बट है ना, हमने सोचा ये वीडियो तो आप लोगों के सामने और आज शेयर कर दूं। सोमवार है, हम पशुपतिनाथ का तो व्रत कर रहे थे तो आज पांचवा सोमवार आ गया तो आज हम उद्यापन भी करेंगे, हो सकेगा तो हम आपको दिखाएंगे हम थाली में क्या क्या ले जा रहे हैं। ठीक है, आलू हम एक एक करके सभी आलूओं को छीले ले रहे हैं। और चाहिए आलू बाबू को? और चाहिए आलू? और बाबू आलू मांग रही थी तो हमने उसको उबाल के आलू ऐसे नमक लगा कर दे दिया था तो वो भी खा रही है। और बाबू के लिए पुंगे वगैरह भी तल दिए थे, वो भी बाबू के लिए भी हमने कुछ नहीं बनाया, बाबू ने दूध बिस्किट खा लिया था और पुंगे तल दिए थे तो पुंगे खा रही थी। और फिर हमने पूछा और पुंगे लोगी तो कह रही कि हम और पुंगे नहीं लेंगे, तो हमने बोला आलू खाओगे तो कह रही आलू खाएंगे, कहा हाँ ठीक है आलू खा लो आप। दोस्तों हमने कढ़ाई रख दिया है गैस को ऑन करके गर्म होने के लिए और है ना ये आलू भी हमारा छिल चुका है, इसके छिलके उतार लिए हमने। और ये हमारी हरी मिर्ची रखी है जिसको भी मैं काट लूंगी। तो ये कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, ये हमने ऑयल डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड हम इसमें मस्टर्ड सीड डाल रहे हैं है ना, और ये ग्रीन चिली काट के डाल रही हैं। देखिए इसमें फली दाने डाल रही हूँ, मूंगफली दाने। देख सकते हैं हमारी मूंगफली बिल्कुल भुन चुकी है, चटनी में आलू डाल दें। इसी में हम आलू को फोड़ लेंगे अच्छे से। आलू हमने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में खोल लिया है ना, और ये सीधा नमक है देख लीजिए, ये ब्रेड वाला नमक है। ठीक है, अगर फलाहार है तो हम यही नमक डालेंगे।
देखिए हमें फिर भार नमक डाल रहे हैं इसमें। ये नमक में है ना थोड़े ऐसे रहता है, मतलब अच्छे से ये दरदरा नहीं रहता है, पिसा हुआ पिसा तो रहता है बट इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। ये दोस्तों हमारा ये फलाहार बन के रेडी हो चुका है और इसको बनाने में हमें 1 से 2 मिनट लगा है, है ना। तो आप भी ट्राई करिएगा, अगर साबूदाना वगैरह नहीं उपलब्ध हो तो सिंपल सा फलाहार बन सकता है घर में जो सामग्री उपलब्ध हो। हमारे पास सारी धनिया वगैरह भी नहीं थी, हमने ऐसे बना लिया और एक खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है।